डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50 नंबर्स का जो इंग्लिश है बिहार बोर्ड के लिए, उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली इसे वीडियो से पूछे जाएंगे। और दूसरी फायदा ये होगा कि हम लोग कम समय में प्रोज और पोएट्री और साथ में डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है आप लोगों का पढ़ने के लिए, पूरे के पूरे 50 नंबर के जो इंग्लिश होंगे उसके सारे के सारे जो बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, इम्पॉर्टेंट टिप्स को आज के वीडियो में हम लोग रिवाइज कर लेंगे ताकि अपने एग्जाम में आराम से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तभी आपके क्वेश्चन अपने एग्जाम में आप डील कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बताऊँगा, जो कहानी बताऊँगा या फिर जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जो आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और अपने एग्जाम में उसे अप्लाई करना है। तो पहला हमारा जो सबसे पहला है चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, आवर ऑन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जो आवर ऑन सिविलाइजेशन है इसके राइटर है C.E.M. जोद, पहला बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि सिविलाइजेशन नीड्स, मतलब सिविलाइजेशन को ज़रूरत है ऑर्डर का और सेफ्टी का, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सिविलाइजेशन को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ऑर्डर एंड सेफ्टी, तो इसे आप टिक करोगे। अगला पॉइंट आपको याद रखना है इस चैप्टर से कि जो ऑथर था, ऑथर कौन, C.E.M. जोद, ये रहते थे लंदन में। पूछेगा आपको कि आवर ऑन सिविलाइजेशन का राइटर कहाँ रहता था, तो आपको बताना है लंदन। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि मैन इन्वेंटेड मशीन्स, आदमियों ने जो मशीन का आविष्कार किया क्योंकि दे वांटेड टू मेक लाइफ ईजियर, मतलब वे लोग चाहते थे कि हमारी जो लाइफ हो वो बहुत ही ईजियर हो, बहुत ही आसान हो। इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि आदमी ने जो मशीनों का भी जो आविष्कार किया मानव ने किस लिए किया, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है टू सेव टाइम एंड एनर्जी, मतलब समय और ऊर्जा को बचाने के लिए। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मैन इन्वेंटेड मशीन बिकाउज और खाली स्थान रहेगा और उस पर चार ऑप्शन रहेंगे, तो इसका दो आंसर हो सकता है, या तो दे वॉन्टेड टू मेक लाइफ ईजियर, वे लोग अपने लाइफ को ईजी बनाना चाहते थे, या फिर ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है टू सेव टाइम एंड एनर्जी, मतलब वे लोग समय और एनर्जी को बचाना चाहते थे। हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये है बीट द फोटोग्राफर। इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट जो हैं उसको मैं बता दूँ। पहली बात आपको याद रखना है कि जो बीट द फोटोग्राफर है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं स्टीफन लिकॉक। मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफर क्या करता है, फ़ोटो खींचता है, तो इसका ट्रिक भी बताया था कि ले मुर्गा और मुर्गी के फ़ोटो खींच ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ये याद करवा दिया, ठीक है। बीट द फोटोग्राफर के राइटर हैं स्टीफन लिकॉक, क्लियर। अब दूसरी बात याद रखना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि पर्पस ऑफ द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ था उसकी पर्पस क्या थी, तो वो आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे बेस्टेड, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेस्टेड। आगे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइट थी यानी फोटो स्टूडियो में जो लाइट आ रही थी, ए बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रो, मतलब वह कहाँ से फिल्टर्ड होकर आ रही थी। फिल्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर आना, जैसे खिड़की से आप देखते हो कोई लाइट आती है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रो, और फिर खाली स्थान रहेगा या फिर पूछेगा कि ये बीम ऑफ सनलाइट कहाँ से आ रहा था, तो आपको बताना है ए सीट ऑफ कॉटन। कॉटन मतलब आपको पता है रूआ बोलते हैं, रुई बोलते हैं, या फिर जो कॉटन सूती के कपड़े होते हैं आपको समझ में आ रहा है ना, तो उनके जो कॉटन के जो सीट था उससे होकर आ रहा था। और हमारा सी नंबर है पॉइंट, जो तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना है कि जो ऑथर को फोटो खींचने के बाद कॉल द ऑथर ऑन, मतलब किस दिन को बुलाया गया था वापस से फोटोग्राफर ने हमारे ऑथर को, मतलब जो कहानी कह रहे हैं कौन है, स्टीफन लिकॉक, ये गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो इनको वापस से फ़ोटो लेने के लिए किस दिन बुलाया गया था, तो आपको याद तो होगा सैटरडे को, ठीक है।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं कि फोटोग्राफर की जो स्टूडियो थी वो कैसा थी, तो बहुत ख़राब थी, वेरी बैड। क्लियर, आगे देखिएगा। अब हम चलते हैं गुड मैनर्स, ठीक है। गुड मैनर्स चैप्टर उस आपको याद रखना है कि गुड मैनर्स को लिखा किसने है, तो गुड मैनर को लिखा है जे सी हिल। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बनाया था कि जे से जो और सी से चाचा और हिल मतलब हिल या फिर पहाड़ी, जो चाचा पहाड़ी पर रहते हैं उनका आदत अच्छा है, मैनर मतलब आदत। तो ऐसे आप याद रखोगे, मैंने ट्रिक पहले ही बता दिया है आपको। तो आपको इसमें से याद रखना है कि गुड मैनर्स जो है ये कहाँ से लिया गया है, अडेप्टेड फ्रॉम, मतलब कौन सी बुक से ली गई है, तो ये ली गई है एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, मतलब एक नागरिक की भूमिका, ठीक है, या नागरिकता। देखिए यहाँ पे ना आप बहुत आसान से इसे याद रख सकते हैं, गुड मैनर्स किनके पास होता है, जो एक अच्छा नागरिक हो, जो एक अच्छा सिटीजन हो, एक अच्छा आदमी हो। तो आप इससे रिलेट रख सकते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप मतलब एक नागरिक की जो भूमिका है उससे रिलेटेड है। तो आप याद रखना यहाँ से ये वाला आपका कहानी लिया गया है। दूसरी बात याद रखना कि गुड मैनर्स कहाँ से आएगा, गुड मैनर्स कम्स फ्रॉम पूछ सकता है, तो सिंपैथी से आएगी, सहानुभूति से आएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इस चैप्टर से आपको याद रखना है कि जो हम बात करेंगे किसी से तो कैसे बात करेंगे, तो हमें बात करना है पोलाइटली, ठीक है, पोलाइटली बात करना है। ये मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया हूँ, आपको मैंने पढ़ा रखा था तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, सिर्फ आप ध्यान रखिए हम लोगों को किसी से बात करना चाहिए पोलाइटली, और जो हम लोग बात करेंगे वो टू साइडेड होना चाहिए, मतलब हमें सुनना भी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें बोलना भी चाहिए और हमें सुनना भी चाहिए, ये नहीं कि हम बोलते रहें, वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए। तो ये भी पूछ सकते हैं आप, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगला है ऑन लेटर राइटिंग। ऑन लेटर राइटिंग से आपको याद रखना है कि ऑन लेटर राइटिंग को जो लिखा है वो लिखा ए जी गार्डिनर ने, ठीक है, इसे आप याद रखते हैं कि लेटर जो लिख रहा था तो बोल रहा था ए जी गार्डन में लेटर लिखिए, गार्डन, देखिए याद यहाँ पे लेटर राइटिंग तो गार्डन से आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ये जो ऑन द लेटर राइटिंग है ये आपका प्रोज लिया गया है वर्ड्स एंड आइडियाज, ठीक है, वर्ड्स एंड आइडियाज़ एक अलग बुक का नाम है, उससे लिया गया है। अब इस चैप्टर से आपके ये पूछ सकते हैं कि बिल और साम कौन थे, यानी राइटर ने बिल और साम किसे कहा है, तो राइटर ने बताया था कि बिल और साम दो सोल्जर थे, बेसिकली दो सोल्जर थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दो सोल्जर कैसे लगते थे देखने में साथ में, तो एक भाई जैसे लगते थे, टू सोल्जर लुक्स लाइक ब्रदर्स, ठीक है, दोनों भाई जैसे लगते थे, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे है फॉरगेटिंग चैप्टर। फॉरगेटिंग चैप्टर को लिखा है आर लिंड ने, याद रखिएगा राइटर का नाम आर लिंड, लिंड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला जो इससे बनता है कॉन्सेप्ट, पीपल फॉरगेट थिंग्स। आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लोगों ने चीज़ों को भूल गया, पीपल फॉरगेट थिंग्स, लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, और यहाँ पे लिखा रहेगा बिकाउज, क्यों भूल जाते हैं, तो अदर मेक्स देम फॉरगेट, दूसरी चीज़ें उन्हें भुला देती है। जैसे आपके पास पहले छोटा मोबाइल था पापा का, ठीक है, उसमें गाना वीडियोज ये सब नहीं चलते थे, सिर्फ बात होती थी। तो जब नया वाला एंड्रॉयड मोबाइल आया, नया वाला चीज़ आई, तो हम लोग छोटे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं अदर मेक देम फॉरगेट, मतलब दूसरी चीज़ें उन्हें भुला देती है। अब दूसरा क्वेश्चन, कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट फॉर्म, सबसे कॉमन फॉर्म क्या है कोई भी चीज़ भूलने की, तो है लेटर को पोस्ट करना। हम नहीं बता रहे, ये राइटर ने फॉरगेटिंग चैप्टर में बताया है कि सबसे जो सामान्य तरह की भुलक्कड़पन की जो चीज़ें हैं, यानी भूलने की चीज़ें, वो है पोस्टिंग लेटर, यानी लेटर को पोस्ट करना, ठीक है। आगे चलते हैं डैफोडिल चैप्टर से। तो आपको याद रखना है डैफोडिल जो है, डैफोडिल को किसने लिखा है, तो पहली बात विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने लिखा है, दूसरी बात डैफोडिल जो फूल है उसकी तुलना
किससे की गई है? तो की गई है स्टार्स से, तारे से। आप लोगों ने अपनी कविता में पढ़ा होगा कि ट्विंकल इन द स्काई, स्टार्स लाइक ट्विंकल इन द स्काई, ऐसा कुछ बोलते हैं अपनी कविता में डैफोडिल में। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि डैफोडिल ऐसे चमक रहे हैं जैसे लगता है कोई आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है कि जो डैफोडिल है कैसा कविता है, तो ये नेचुरल पोएम है, नेचर पोएम, ठीक है, प्राकृतिक चीज पे फोकस है। अगली बात, डैफोडिल कहाँ था? तो डैफोडिल था बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के बगल में और झील के नीचे। तो ये भी लिख आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डैफोडिल कहाँ देखा था, डैफोडिल को राइटर ने कहाँ देखा था, तो बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, नहीं 10,000 आई सा एट ए ग्लांस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था आपके पोएट्री में। तो आपको ये याद रखना है कि 10,000 आई सा एट ए ग्लांस ये क्या है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम कहेंगे हाइपरबोल, मतलब कोई भी चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोल, ठीक है। जैसे आपके घर में निकला छोटा सा सांप और आप बगल वाले को बोल रहे हो कि एक लाठी बहुत बड़ा सांप था, ठीक है, तो एक प्रकार का हाइपर बोल है। नेक्स्ट है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो लाइन है ये लाइन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो पहली बात डैफोडिल पोएट्री से लिया गया है, दूसरी बात आपके पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये सिमली है, मैंने आपको सिमली की भी वीडियो बनाई है। सिमली उसको बोलते हैं जो एज, लुक, लाइक, नहीं एज, लाइक, सो, ये सबसे जुड़ा हुआ होता है, ये सबसे कंपेयर किया हुआ होता है। अगली बात याद रखना है कि डैफोडिल का जो कलर है वो कैसा है, तो गोल्डन कलर है, सुनहला कलर है। नेक्स्ट याद रखना है कि जो फादर ऑफ द रोमांटिक पोएम्स, आपके पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ द रोमांटिक पोएम्स कौन है, तो फादर ऑफ रोमांटिक पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल के जो राइटर हैं उन्हें कहा गया है फादर ऑफ द रोमांटिक पोएम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं इको चैप्टर, इको जो चैप्टर है इसको लिखा है वाल्टर डीला मेयर ने, और वाल्टर डीला मेयर को बोला गया है पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के कवि, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया था, बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो वाल्टर डीला मेयर को बोला गया है पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के कवि, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात विस्परिंग ग्लैड्स, इको चैप्टर में आपके ये वर्ड यूज किए गए हैं विस्परिंग ग्लैड्स, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसका मतलब है फॉरेस्ट यानी जंगल। आगे बढ़ चलते हैं वर्ड्स गॉट बैफल्ड बाई द इको, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु गॉट बैफल्ड बाई द इको, मतलब कौन इको की आवाज़ से, प्रतिध्वनि की आवाज़ से बैफल्ड हो गया, विचलित तो हो गया, घबरा गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है वर्ड्स, ठीक है ना, चिड़ियाँ, ठीक। आगे याद रखना है कि जो विलियम ये वाल्टर डीला मेयर थे उनका जन्म केंट में हुआ था और इनका जो ईयर था 1873 था, 1873। आगे बढ़ चलते हैं, अगला हमारा है ईफ चैप्टर, ईफ चैप्टर को लिखा है रडियर्ड किपलिंग ने, और आपको दूसरी बात याद रखना है कि ईफ जो पोएम है वो किस टाइप का पोएम है, तो ये है डिडक्टिव पोएम, इसका मतलब होता है बहुत ही मोटिवेशनल पोएम, इंस्पायरेशनल पोएम, आप कह सकते हैं प्रेरणादायक या फिर शिक्षाप्रद, ऐसी कविता, ऐसी कहानी जो आपको कुछ सीख देती है, कुछ शिक्षा मिलती है उस कहानी से, उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव पोएम, क्लियर। नेक्स्ट है स्पीकर, आपके पूछ सकते हैं कि इफ चैप्टर का स्पीकर कौन है, तो इफ चैप्टर का स्पीकर खुद फादर है। और अगला जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि फादर है जो किसको एड्रेस्ट करता है, मतलब यह कविता किसको सुनाता है, तो आपको ये भी याद रखना है अपने बेटे को, सन को, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं कि इस कविता में यानी इफ वाले चैप्टर में इम्पोस्टर किसे कहा गया है, तो इम्पोस्टर बोला गया ट्रिम्फ एंड डिजास्टर को, ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला याद रखना है, इम्पोस्टर बोला गया है ट्रिम्फ एंड डिजास्टर को, क्लियर। आगे बढ़ चलते हैं द लेक आइजल ऑफ आइंसफ्री,
ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेक आइजल ऑफ हाइंसब्री को किसने लिखा है? तो पहली बात आपको याद रखना है WV Yeats ने, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो द लेक ऑफ हाइंसब्री है, ये हाइंसब्री जगह है कहाँ पे? तो दूसरी बात आपको याद रखना है, ये आयरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइंसब्री जगह कहाँ पे है आयरलैंड में। तीसरी बात पूछ सकता है कि राइटर ने, मतलब जो आपके ऑथर थे, पोएट, सॉरी यहाँ पे पोएट्री लिख रहे हैं, तो पोएट जो थे उन्होंने क्या प्लान बनाया था हाइंसब्री में जाने का? तो याद रखना है, प्लान टू बिल्ड अ केबिन, जो आपके पोएट थे वो उन्होंने प्लान बनाया था कि वहाँ पे जाके एक केबिन बनाऊँगा। केबिन मतलब छोटा सा घर, अपने बिहार में बोले तो झोपड़ा झोपड़ी, ठीक है। अगला है कवर्ड इन द वेल्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया वेल, ये वेल का मतलब होता है घूंघट। आप लोगों ने देखा होगा जब दुल्हन वो जो अपने साड़ी को आगे किए हुए, आप समझ रहे हो ना, घूंघट जो दुल्हन डाले रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर अपने उस कविता में बताता है कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई घूंघट, कोई जो है वो घूंघट डाले हुए या फिर घूंघट किए हुए। तो आप याद रखना मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में जब वहाँ पे राइटर, जब हाइंसब्री पे, आयरलैंड में हाइंसब्री पे मॉर्निंग में राइटर बाहर निकलते थे अपने केबिन से, तो ऐसा लगता था जैसे कोई वेल हो, कुहासे का जो वातावरण था, ऐसे लग रहा था जैसे वो मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग वहाँ पे घूंघट डाले हुए था। आप ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग जो था वो घूंघट डाले हुए था। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ऑप्शन से जाके छाट के कर देना है, क्लियर। नेक्स्ट बात है, अब लीनेट आपको याद रखना, लीनेट क्या है? तो लीनेट एक छोटी सी गाने वाली चिड़िया है, ए स्मॉल सॉन्ग वर्ड। तो आप क्वेश्चन में आ सकते हैं कि लीनेट क्या है? तो लीनेट एक प्रकार की छोटी छोटी चिड़िया है वो जो गाती है, ठीक है। बस चलते हैं नेक्स्ट, एवरी वन सैंग, ये जो चैप्टर है इसे लिखा है सिगफ्रेड सेसन ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि चैप्टर की जो पोएट हैं कौन है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो पोएम था एवरी वन सैंग, ये कब लिखा गया था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद लिखा गया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो इनको जीत मिली थी, उस जीत के जश्न में ये गीतें लिखी गई थी। एक बात आप याद रखिएगा कि एवरीवन है वो किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये सैनिक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिए थे, क्लियर, और वहाँ की जनता को भी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगली बात, सोल्जर आर कंपेयर्ड टू, अब बात है कि एवरीवन सैंग में जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, उनको किन से तुलना किया गया था? तो उनको तुलना किया गया था केज्ड बर्ड, मतलब ऐसी चिड़िया जो पिंजरे में बंद हो, केज्ड मतलब पिंजरे में बंद, केज मतलब पिंजरा, और केज्ड बर्ड मतलब पिंजरे में बंद चिड़िया को, ठीक है, तुलना किया गया है सोल्जर को पिंजरे में बंद चिड़िया से। आगे है आपको याद रखना है कि जो एवरीवन सैंग है ये बार पोएम है, एक युद्ध कविता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, ये सिगफ्रेड जो सेसन थे, इनको बार पोएट बोला जाता है, युद्ध कवि बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, अडलरस्ट्रॉप, ये एक प्रकार का रेलवे स्टेशन है। पहली बात आपको याद रखना है कि जो अडलरस्ट्रॉप है ये क्या है? तो पूछेगा आपको बस स्टैंड है कि स्कूल है, तो आपको याद रखना है ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम है, और इसके राइटर हैं एडवर्ड थॉमस, क्लियर। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ट्रेन जाती है वो रेलवे स्टेशन अडलरस्ट्रॉप पे कब रुकती थी? तो राइटर ने बताया था दोपहर में, आफ्टरनून, क्लियर, ये बात याद रखना है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जब राइटर वहाँ पे रुकते थे तो वहाँ पे कौन सी चिड़िया का गाना सुनते थे, मतलब सिंगिंग सुनते थे, तो वो था ब्लैक बर्ड, उस चिड़िया को यहाँ पे राइटर ने बताया था ब्लैक बर्ड। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ट्रेन थी वो कौन से महीने में अडलरस्ट्रॉप पहुंचती थी? तो आपको याद रखना है जून के दोपहर में, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से महीने में, तो जून के दोपहर में। नेक्स्ट अब बार चलते हैं, डेविड कॉपरफील्ड, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोवेल है और इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डेविड कॉपरफील्ड था जो है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, क्लियर। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो डेविड का जो जन्म हुआ था वो 6 महीने
पहले उनके पिता मर चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, डेविड का जो जन्म हुआ था, जन्म के पहले ही, जन्म के 6 महीने पहले उनके पापा जी मर चुके थे, उनकी पिता जो थे उनका देहांत हो चुका था। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इनके जो स्टेप फादर थे, यानी इनके सौतेले पिता थे, उनका नाम था मिस्टर मडरस्टोन। क्लियर? आपको याद रखना है कि एजुकेशन इंडेड विथ, अब हुआ क्या था, डेविड जो थे उनका एजुकेशन चल रहा था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रही थी, लेकिन जब उसकी मम्मी मर जाती है, उसकी माँ मर जाती है, तो उसके बाद उनकी सारी की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। तो आपको पूछ सकता है कि एजुकेशन इंडेड विथ, तो हीज मदर्स डेथ, पापा तो पहले मर गए थे, मम्मी के मरने के बाद इनका एजुकेशन ख़त्म। अगली बात याद रखना है, डेविड वाज सेंट टू वर्क, अब डेविड को कुछ काम करने के लिए भेजा गया था, या फिर यूँ बोलें कि डेविड को काम करना पड़ा था, तो कहाँ करना पड़ा था, तो बेयर हाउस में। ठीक है, आप याद रखिएगा बेयर हाउस। क्लियर? आगे ये आपको अगली बात याद रखना है कि जो डेविड कॉपरफील्ड है, ये चार्ल्स डिकिंस का केम्मा नोबल है, मतलब कितना नंबर का, तो इन्होंने तो बहुत सारी नोबल लिखा है, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड 8वां नोबल था, एट नोबल, ठीक है, 8वां नोबल था इनका। ठीक है, अगली बात आपको याद रखना है कि जो डेविड थे उनका जन्म हुआ था बल्डस्ट्रॉन में। क्लियर? नेक्स्ट बात याद रखनी है कि डॉक्टर जो स्ट्रॉन्ग नाम था, ये जो थे ये टीचर थे किनका, डेविड का। अगली बात याद रखना है कि डेविड शादी किन से की थे, किए थे, तो डोरा से। क्लियर? डोरा और एजनी से प्यार भी करते थे और शादी डोरा से किए थे, ऑप्शन में डोरा था, मैंने डोरा यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है क्लारा कॉपरफील्ड, स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्लारा कॉपरफील्ड कौन थी, तो क्लारा कॉपरफील्ड उसकी माँ थी, लेकिन क्लारा पिगोटी, वो नर्स बोलिए या फिर आप सर्वेंट बोलिए या फिर नौकर बोलिए या फिर नौकरानी बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, मतलब वो उसके घर में जो काम करती थी उसका नाम था क्लारा पिगोटी। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप फिर से कन्फ्यूज हो जाओगे। क्लारा कॉपरफील्ड जो थी उनकी मम्मी थी किनकी, डेविड की, और जो क्लारा पिगोटी थी ये नर्स थी, या फिर आप सर्वेंट बोलो, नौकरानी बोलो, जो बोलना है बोलो। तो पिगोटी नर्स थी और कॉपरफील्ड, देखिए इन डेविड कॉपरफील्ड, तो टाइटल लगा हुआ क्लारा कॉपरफील्ड, तो इसी का परिवार होगी मम्मी। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है यूरे हिप कौन थे, तो ये क्लर्क ऑफ मिस्टर बिगफील्ड, मिस्टर बिगफील्ड एक अलग से पर्सन था, उनका क्लर्क का नाम था यूरा हिप। क्लियर? आगे याद रखना है एजनी कौन थी, तो एजनी डॉटर थी बिगफील्ड का, यानी बिगफील्ड के जो बेटी थी उसका नाम था एजनी। अगला पॉइंट याद रखना है कि जो डेविड कॉपरफील्ड है वो किस तरह का नोवेल है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। ऑटोबायोग्राफिकल उसको नोवेल को बोला जाता है जिसके कोई भी राइटर अपनी कहानी खुद लिखता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी राइटर अपनी कहानी खुद लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो आपका नोवेल है जो है ऑटोबायोग्राफिकल। क्लियर? और लास्ट में आपको याद रखना है कि जो डेविड कॉपरफील्ड थे कैसा बच्चा थे, किस टाइप का, तो ये थे पोस्थमस चाइल्ड, जिसको बोलते हैं अनाथ। ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं, पोस्थमस चाइल्ड उसको बोलते हैं जिनके, जैसे देखिए इनके जो पापा थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी इनके जन्म से ही पहले, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पोस्थमस चाइल्ड। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और अभी देखिए वीडियो के लास्ट में एक बगल में एक वीडियो आ रही है, इसको देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। हाँ, ये वीडियो जो बगल में आ रही है इस पर क्लिक करिए और सब्जेक्टिव वीडियो देखिए, ये ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।